हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं सिंपल वे में मेकओवर लेके आ गई हूँ। बहुत ही सिंपल सिटिंग एरिया क्रिएट करूँगी। सिर्फ आपको चाहिए दो सोफ़ा सिंगल सीटर के। अगर वो नहीं है तो कोई भी आप चेयर रख सकते हो, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं इधर के सामान उधर के सामान इधर करके रखी हुई हूँ, और कुछ आइटम जैसे मीशो से बहुत सारे आइटम मैं परचेस करके रखी हुई थी, तो उसे ही मैंने यहाँ पे डेकोर किया है। सबके लिंक एंड कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ी हुई हूँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो जहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ वो ये जगह दिखता है। और कोई भी आप कॉर्नर में अगर आपके पास स्पेस है तो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, या छोटा स्पेस है वहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर्टन चेंज नहीं करूँगी, वॉल को करूँगी, डेकोरेट करूँगी और नीचे फर्नीचर रखूँगी। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं झाड़ू, जो कि झाड़ू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोना कोना में जो रहता है गंदा वो साफ़ हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि जैसे मैं मेकओवर करती हूँ ना, तो बहुत सारे गंदगी निकल जाते हैं और मैं साफ़ करते चलती हूँ। तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप में मैंने ये रैक रख लिया, जो मीशो से ही लिया हुआ था, और जो फ्रेम जो दो दिख रहा है ना, वो इंस्टाग्राम पेज से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो दो ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने DIY किया था। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लेना। और ये है विंडो मिरर, जो बहुत लोग मांगते रहते हैं इसका लिंक, बट अभी तक अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं आया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, जैसे देखती हूँ, चेक करती हूँ, अगर आ गया होगा तो लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे हैंगिंग प्लांट और क्यूट से कपल, और ये वाले जो मैक्रम वाले जो लैम्प है ना, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया था मीशो से, 350 या 400 रुपये में मिल गया था। तो इसे मैंने यहाँ पर लगाया है, और ये लगने के बाद ना इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। आपको देखो और आपको पता चल जाएगा कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं फ्लोर लैम्प रख रही हूँ, एकदम सिंपल वे में मैं डेकोरेट कर रही हूँ, कोई तामझाम नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, जिसे आप बहुत जल्दी ये वाला मेकओवर कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं सिटिंग एरिया। यहाँ पे फ्लोर लैम्प थोड़ा सा गंदे पड़ गए थे, तो इसे मैं साफ़ कर ले रही थी। और ये अच्छा हो जाता है ना कि आप जब अपना घर को मेकओवर देते हो, या फिर इधर का सामान उधर या उधर का सामान इधर रखते हो, तो काफ़ी अच्छा मतलब सफाई हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है ना कि सफाई हो जाता है। यहाँ पे मैंने सिंगल सीटर के दो सोफ़े मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, और बस सिंपल वे में ही मैं यहाँ पे मेकओवर दे रही हूँ। और यहाँ पे सोफ़ा कवर लगा लूँगी, जो कि मेरा फेवरेट वाइट कलर, तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का सोफ़ा कवर लगा लिया है। और यहाँ पे फ्लोर लैम्प पे कुछ कुछ यहाँ पे फ्लावर है ये, और ये टच लाइट है, तो ये सब मैं रख रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सजा लिया है फ्लोर लैम्प को, और ये कुशन कवर जो कि मल्टी कलर है। मल्टी कलर तो सभी में चला जाता है, इसलिए मैंने मल्टी कलर खरीद कर रखा हुआ है मीशो से। साइड में 3 का सेट वाला प्लांटर था, तो वहाँ पे प्लांट रखा है, और एक ही प्लांटर को यूज़ किया है। साइड में वुडन का ये स्टैंड रख दिया है। और जो ये फ्लावर पॉट है ना, इसका लिंक सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे लोगों ने मांगा है, मैं कहाँ से ला कर दूँ। ये तो मेरे को गिफ्ट मिला था, तो उसे मैंने यहाँ पे डेकोर किया हुआ है। और वो उसके अंदर में जो मैंने फ्लावर लगाया है वो आर्टिफिशियल फ्लावर है, देखने में एकदम रियल वाले लगते हैं। साइड में यहाँ पे प्लांटर रखने के बाद बड़े वाले प्लांट यहाँ पे रख दिया है, जो देखने में बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने पफ रखा है, ट्रे रखा है, DIY ट्रे है, 3 का कैंडल सेट है, यहाँ पे कुछ प्लांट ऐड कर दिया है, और 2 कप रख दिया है। आप चाय डाल के भी रख सकते थे, बट मैंने ऐसे रखा है, और बाद में ज़रूर मैं चाय पीऊँ उसको। फिर मैंने चाय बनाया है और यहाँ बैठ कर आराम से पीऊँ। ऐसा डेकोर आप कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं, फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं, या आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ आप बैठ के यहाँ पर चाय पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर सोफ़ा नहीं है तो नहीं बन पाएगा, आप इस तरीके से नॉर्मल चेयर भी रख सकते हैं, या फिर आप फ्लोर सिटिंग भी इस तरीके से बना करके डेकोरेट कर सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, और आप देख ही रहे हो कैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना। और भी मैं बहुत सारे मेकओवर लेके आने वाली हूँ, हॉल लेके आने वाली हूँ नए, मैंने बहुत सारे सामान परचेस किए हैं मीशो से होम डेकोर के। आपको क्या देखना है आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी। और बहुत ही कम से कम प्राइस में मैंने पिक किया है, वो बस जैसे मुझे मिल जाते हैं मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ।
और ये कुछ ऐसे सिंपल तरीके से मैंने क्रिएट किया हुआ है। अभी फेस्टिवल बहुत सारे आने वाले हैं तो बहुत सारे मेकओवर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, फेस्टिवल लुक बनाऊँगी, तो जिससे कि आपको भी हेल्पफुल हो जाएगा और अपने घर को फेस्टिवल हिसाब से आप डेकोर करके रख सकते हो, देखने बहुत अच्छा लगता है। तो और DIY भी लेके आने वाली हूँ और बहुत यूनिक DIY लेके आने वाली हूँ, जिससे आप इजी वे में अपने घर के लिए बना सकते हो और लोग देख के बोलेंगे कि आपने कहाँ से लिया, उस टाइप का भी मैंने सोच के रखा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आप पहले से मेरे वीडियो को देखते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड से शेयर कर देना, जैसे कि आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो देख करके आपको हेल्पफुल होता है तो फैमिली फ्रेंड को भी आपको शेयर कर देंगे तो हेल्पफुल हो जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे आप बेल आइकन को प्रेस ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे आप मेरा वीडियो देख पाओगे, तो बहुत सारे वीडियो मिस हो जाएंगे, तो मिस नहीं करना क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो वीडियो को और पूरा देखा करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिंपल वे में मैंने क्रिएट किया था, कैसा लगा या कुछ ऐड करना था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो हमेशा की तरह प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो आप चाहते हो तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।